गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो वी आर रीडिंग लेसन द नेकलेस. द मेन करैक्टर ऑफ दिस लेसन इज मैडम मटलेडा. एज यू नो शी वॉज मैरिड टू ए क्लर्क एंड शी इज़ वेरी फैशनेबल एंड शी वॉन्ट्स टू लीड ए लाइफ ऑफ ए रिच फैमिली यू नो. बट द सर्कमस्टांसेस नॉट अलाउड हर. Okay, so they have joined one party. For that, she take a necklace from her friend, Madame Frostier, and she think that necklace was of diamond. Now she had lost that diamond. After that, what happened? Look at this. Okay, so what happened next? After losing that necklace, what happened to her? Okay, so what do Madam and Mr. and Madam Lossell do next? After getting that lost her their necklace, what they do? Okay, so we will going to read in this chapter what happened next. Lossell already half undressed asked what is the matter. लॉसेल जो है मटलीडास हस्बैंड, अभी वो जो है अभी ही वॉज रिमूविंग क्लोथ्स, वो कपड़े जो है उतार रहा था. सो व्हेन शी क्राइड अल्टरली क्राइड, जोर से चिल्लाई थी, तो व्हाट हैपन, तो उसने पूछा व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है, क्यों चिल्ला रही हो. शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, और वो मेरी तरफ जो है मुड़ के देखती है एकदम. I have no longer have Madame Frostier's necklace. Means she was stumbled. हकला के बोल रही है कि मेरे पास जो Frostier का जो necklace था वो जो है अब क्या है, नहीं है. Okay, he arose in dismay. Dismay means बेटा alarm. उसे पता लगा, dismay here, alarm. What? How is that? मतलब कैसे हुआ ये सब. इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, कैसे तुमने गुम कर दिया. एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर, दे कुड नॉट फाइंड इट. क्लॉक होता है बेटा जो रैप किया हुआ था उसने एक क्लोथ से, जो है अपनी स्किन को जो है रैप कर रखा था ना, तो उसे हम कहते हैं क्लॉक. ओके, दिस क्लॉक हेयर. सो इन द उसने जो है अपने कपड़ों की जो है तह वगैरह निकाली, उसमें देखा, पॉकेट्स में देखा कि कहीं यहाँ निकल के गिर गया हो, बट दे डिड नॉट फाइंड एनीवेयर, कहीं पर भी उन्हें नहीं मिला. ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस. सो देर वॉज अ पार्टी इन द मिनिस्टर हाउस, क्या आपने वहाँ देखा था कि वहाँ पर जो है आपके पास क्या वो नेकलेस है. Yes, I felt it as we came out. She was telling कि मैंने महसूस किया था कि वो वहाँ पर था. But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. अगर हमने street होता है बेटा गली, तो हमने यहाँ गली में अगर वो गिरता तो there will be a sound, कि वो गिरता तो उसकी आवाज़ आती. It must be in cab. Cab is वो जिसमें वो बैठ के आए थे, it's a vehicle. So Yes, it is possible. Did you take the number? क्या आपने उसका नंबर लिया है? No. And you? Did you notice what it was? नहीं, मैंने भी नहीं देखा कौन सा नंबर था कैब का. दोनों ने, both of they have not seen the cab's number. Okay. And no. And you did not. Both they have not know the cab's number. They look at each other, alternately cast down. Cast down means बेटा यहाँ rejected. This cast down means dejected. Okay, so वो एक तरह के अपने दोनों एक दूसरे के ऊपर dejected निगाहों से देखते हैं. Finally, Lossell dressed himself again and जो उसके husband है उसने फिर से जो है dress पहनी. I am going, he said, over the track where we went on the foot to see if I can find it. So he dressed himself and he was going for searching the necklace. अब वो search करने के लिए जा रहा है जहाँ पर वो पैदल कर जो है चले थे. And he went, और वो वहाँ से चला गया. She remained in her
इवनिंग गाउन, और इवनिंग गाउन में ही वो रहती हैं, एंड हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड. हैविंग द फोर्स नॉट मीन्स शी वॉज नॉट, अब सोने का टाइम है, काफ़ी रात हो चुकी है, तो वो जो है नॉट फोर्स टू गो, यानी उसमें हिम्मत नहीं है. फोर्स टू गो यानी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत नहीं है कि वो जाके सो जाए, बिकॉज दे हैव लॉस्ट द डायमंड नेकलेस. मीन्स ये दे थिंक दैट दैट इज़ अ मेड ऑफ डायमंड. ओके, टूवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्नड, और जो है 7 बजे उसका जो है हर हस्बैंड ही रिटर्नड. ही हैड फाउंड नथिंग, कुछ भी उसे वहाँ पर नहीं मिला. ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स ऑफरिंग ए रिवार्ड. सो आफ्टर सर्चिंग दैट नेकलेस इन द स्ट्रीट वेयर एवर दे वेंट दे सी ही सी बट ही डिड नॉट फाइंड इट. सो वेन ही केम केम वेन ही रिटर्न तो ही वेंट टू पुलिस कैब ऑफिसर्स and even he gave an advertisement and he offered a reward for it. कि भाई जिसको भी वो necklace मिलेगा तो उसको वो reward देगा, offer जो है वो करता है, तो advertisement की है. okay, advertisement करना. she waited all day in the state of bewildered. bewildered means क्या होता है बेटा, confusion. bewildered, bewildered होता है confusion, तो वो confusion में थी. okay, she waited all the day in the state of bewilder, काफ़ी जो है confused थी, घबराई हुई थी before this frightful disaster. disaster है जो trouble होती है, मुश्किलें, जो उनके पास क्या मुश्किल आ गई है. what is that a disaster and frightful that they had lost the necklace, तो वो काफ़ी भयभीत भी है, घबराई हुई है. Lois returned in the evening, his face pale, he had discovered nothing. और जो उसके husband हैं, his face become pale, जो है पीला पड़ गया है, बहुत ही was a very bewildered, confused है. and what discovered किया कि उसके पास कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो उसे वो जो भी है necklace नहीं मिला. okay, he said write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired, that will give us time. so अब excuse देने के लिए उसने क्या लिखा, मतलब क्या बोलना है, उसने कहा अपनी friends को बोलो. clasp होता है बेटा clutch, जो है ना hook होता है वो, उसका जो है clasp clutch वो जो है उसका टूट गया है और हमें थोड़ा सा repairing के लिए जो है time चाहिए. ठीक है, सो दे आर थिंकिंग कि शायद हमें मिल जाए, दैट्स वाई दे आर टेकिंग सम टाइम फॉर इट. तो इसलिए शी रोट एज ही डिक्टेटेड. डिक्टेट मीन्स वॉट बेटा, जैसे हम जैसे बोलते हैं ना, डिक्टेशंस होती हैं, तो इस तरह से जैसे उसके हस्बैंड उसे डिक्टेट कर रहे थे, जैसे उसे बोल रहे थे, उसने वैसे वैसे वो एक जो है लेटर लिखा. एट दैट एंड ऑफ द वीक they had lost all hope. एक हफ्ते तक they have waited, but after that 1 week they lost all the hope. जो भी आशा थी ना, उम्मीद थी शायद मिल जाए, पर वो उनको जो है कुछ भी ऐसी आशाएँ नहीं मिली. and Lois older by 5 years declared we must replace this jewel. now what happened, he got very bewildered and you know चिंता में कैसी शक्ल हो जाती है. तो हम अब नाउ what he हैव थिंक अबाउट इट दैट वी मस्ट रिप्लेस. रिप्लेस मीन्स वॉट बेटा, रिप्लेस मीन्स उस नेकलेस की जगह पर कुछ जो है और उसको जो है हम जो है एक अलग सा दूसरा नेकलेस दे देंगे. ठीक है, सो इन द शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे वेंट टू ए शॉप पैलेस रॉयल दे फाउंड ए चैपलेट. चैपलेट डायमंड, चैपलेट मीन्स होता है बेटा दिस यू टाइप ऑफ सर्क, यू कैन से सर्कलेट जो है डायमंड का उसको जो है सेट मिला. ओके, सो दिस इज अ चैपलेट. ओके, ऑफ डायमंड विच सीम टू दैम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट. द नेकलेस दे लॉस्ट ना, दैट वॉज अ सिमिलर resemble to that one, उसके जैसे मिलता जुलता था. it was valued at 40,000 francs,
तो फ्रांस की जो करेंसी है उसको फ्रैंक्स में काउंट किया जाता है। तो ये फ्रैंक्स 40,000 का जो वो डायमंड थे, दे कुड गेट इट फॉर 36,000। और उसकी जो है लास्ट जो है उसने कहा कि ये आप इसके 36,000 दे दो और ये नेकलेस आपका हो जाएगा। लॉयसल पजस्ड 18,000 फ्रैंक्स। और अब जो लॉयसल है उसके हस्बैंड है, ही इज़ हैविंग अराउंड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट, जो कि उसके फादर छोड़ के गए थे उसके लिए। ही बोरोड द रेस्ट, और उसने जो रेस्ट है वो जो है बोरो किए, उधार लिए। ही मेड ए र्यूनियस प्रोमिस, और उसने ना जो बहुत सारी र्यूनियंस जो है प्रॉमिस की कि हम जो है मैं वापस कर दूंगा, रिन्यूअल्स होता है पतन, ऐसी सी प्रॉमिस की कि मैं आपको वापस लौटा दूँ। टुक मनी फ्रॉम द यूज़र्स, यूज़र होता है बेटा मनी लैंड करता है, जो मनी लैंड करता है ना, मनी लैंडर उधार देने वाला, तो उसको कहते हैं ठीक है यूज़र्स। एंड द होल रेस ऑफ द लैंडर्स, जितने भी ये उधार देने वाले हैं उनको प्रोमिस की उसने कि मैं आपको जो है टाइम पे दे दूंगा, इतना टाइम उन्होंने मांगा। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और वो जो है दे आर रेडी टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपॉजिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000। वॉट इज द कॉस्ट ऑफ दैट नेकलेस दे हैव सीन, दैट वॉज अबाउट 36 फ्रैंक्स। ठीक है, तो 36 का था वो, एंड 18 उसके पास थे। रेस्ट जो है उसे मीन्स रेस्ट उसको जो है उधार पे उसने पैसे लेके और वो जो है नेकलेस ले लिया। व्हेन द मैडम लॉसल टुक बैक द जेवल्स टू द मैडम फ्रॉस्टियर, द लेटर सेड टू हर इन ए फ्रिज्ड 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 बेटा फ्रिज्ड मीन्स क्या है, बहुत ही दुखी से हार्श हार्श जो है उससे उसने जो है एक जो है जवाब दिया। क्या दिया मैडम फ्रॉस्टर ने, मैडम फ्रॉस्टर ने कहा, क्योंकि टाइम लग गया ना उसे देने में, तो उसने क्या जवाब दिया, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम, क्योंकि एज यू नो लेडीज दे ज्वेलरी से थोड़ा सा अपार्ट होना बहुत मुश्किल होता है, सेम विद द हर मैडम फ्रॉस्टर। तो उसने कहा कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आपने मुझे जो है टाइम पे नहीं दिया। ठीक है, मैडम फ्रॉस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज द मैडम लॉसल फियर्ड, और जो मैडम जो है फ्रॉस्टियर है उसने जो है ज्वेल जो बॉक्स था उसने जो बना रख जिसमें नेकलेस था तो उसने जो है वो ओपन नहीं किया। मैडम लॉसल फियर्ड शी वुड, कि अब उसे डर भी लग रहा था कि अगर इफ़ शी ओपन दैट बॉक्स एंड फाउंड दैट दैट इज़ नॉट हर नेकलेस, तो शी वॉज फियरिंग, उसे डर लग रहा था कभी उसे खोल के वो चेक करें। वट वुड शी थिंक इफ शी शुड प्रसीव द सब्सटीट्यूशन, अब यहाँ पर प्रसीव मैंने समझ जाना, ओके कि भाई उसे प्रसीव समझना। सब्सटीट्यूशंस क्या होते हैं बेटा, रिप्लेसमेंट, कि भाई उसकी सब्सटीट्यूशन है ये, मतलब जो उसका ओरिजिनल नेकलेस नहीं है वो तो उसका सब्सटीट्यूशन है, उसके रिप्लेस करके दिया गया है। ठीक है ना, तो उसको दूसरा नेकलेस दिया गया था ना इन प्लेस ऑफ हर ऑन, ओके। वट शुड सी से वुड शी टेक हर फॉर ए रॉबर, अगर उसने मतलब ऐसा लिया तो शायद वो उसके ऊपर क्या है भाई चोरी की है ऐसे इल्ज़ाम लगा दे। ठीक है ना, नाउ चेंज देर इज़ अ चेंज इन हर लाइफ, वट चेंजेस इन हर लाइफ वी विल रीड इन दिस पैराग्राफ। मैडम लॉयसल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, नाउ शी कम टू द जो एकदम हॉरिबल मीन्स भयानक जो है दर्द भरी, अब उसकी जो है बहुत ही भयंकर जो है उसकी लाइफ की शुरुआत हो चुकी है। बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द मनी, दे आर ए मिडिल क्लास फैमिली एंड शी इज़ अ वेरी फैशनेबल, शी वॉन्ट्स टू लीव ए लाइफ ऑफ ए रिच फैमिली, स्टिल हर हजबेंड गेव ऑल द फैसिलिटी टू हर, बट नाउ शी हैव टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। वट टाइप ऑफ चेंजेस आर देयर, लेट अस सी। शी डिड हर पार्ट, जो भी उसका काम है वो करती है, हाउएवरली कम्प्लीटली हीरोइकली, और वो हीरोकली मीन्स हीरो है वो, तो हीरो मीन्स जो काम कर रही है वो कैसे कर रही है। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट, और जो फ्राइटफुल डेब्ट है यू नो उधार, जो फ्राइटफुल डेब्ट है जो उन्होंने लिया है कर्जा लिया है, शी वुड पे इट, क्योंकि उन्हें वो पे करना है। दे सेंड अवे द मेड, अब उन्होंने जो उनकी मेड है जो काम वाली थी वो भी उसने जो है
अब वो काम वाली उसने मना कर दिया उसको. दे चेंज देअर लॉगिंग, जो रहने की प्लेस है ना वो भी उन्होंने जो है अपनी चेंज कर दी. अच्छे कंपार्टमेंट में रहते थे, नाउ दे हैव चेंज, दे रेंटेड, अब रेंट पे आ गए हैं. दे रेंटेड सम रूम्स इन द इन एन एटिक. एटिक होता है बेटा जो है रूफ पे स्पेस लेना, ठीक है. तो वहाँ पर छत पे उन्होंने किराए का जो है घर ले लिया है. नाउ वट, अब नाउ कम टू द रेजिडेंस. अब वो कहाँ पर जो है रह रहे हैं, वी विल बी सी हियर इन दिस पैराग्राफ. शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन. ऑडियस मीन्स वॉट बेटा? ऑडियस, ऑडियस होता है जो भी काम होते हैं ना, फाउल है, डर्टी. इन हर सेंस शी थिंक्स दैट दीज ऑल वर्क आर डर्टी. उसे बेकार लगते थे किचन के काम करने, बर्तन धोने, खाना बनाना, कपड़े वॉश करना, पोछा लगाना. शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड अर्लियर इन ऑल दिस वर्क. नाउ शी हैव टू डू ऑल दिस वर्क नाउ. अब वो सभी काम उसे खुद अपने आप करने पड़ते हैं. बिकॉज दे सेंड द अवे द मेड ऑल्सो. सो एवरी वर्क, वट एवर द वर्क इन हर हाउस, शी हैव टू डू हर सेल्फ. ओके, वट एवर वर्क शी आज डूइंग. सो आप ये देखें, शी वॉश द डिशेज. डिशेज होते हैं बर्तन, यूटेंसिल्स, वो खुद ही वॉश करती है. शी वॉश द सॉलिड लिनन. सॉलिड लिनन, लिनन इज वॉट बेटा? सॉलिड, सॉइल्ड लिनन मीन्स गंदे कपड़े. देयर क्लोथ्स एंड डिश जो है डिश क्लोथ है वो भी वॉश करते हैं. विच हैंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और उनको जो है सुखाती है लाइन अप करके सूखने के लिए. शी टुक अ डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रिक्ट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ. और वो जो है पानी भी लेके आती है ऊपर नीचे ऐसे करके, और है ना बीच में थोड़ी सांस लेती है, थक जाते ना तो ऊपर जाते समय, तो शी टेक हर ब्रीथ. एंड द क्लोथ्स लाइक ए वूमन ऑफ द पीपल. लाइक मीन्स वॉट बेटा? यहाँ पर लाइक द शी टुक द रिफ्यूज एंड स्टॉपिंग शी वेंट एंड शी ऑल्सो वॉट स्टॉपिंग ईच हैंडिंग एंड क्लोथ्स लाइक ए वूमन ऑफ द पीपल. वॉट डज इट मीन बेटा? वूमेन ऑफ द पीपल, वूमेन ऑफ द पीपल मीन्स लीडिंग ए नॉर्मल लाइफ. जो हम सामान्य जो लेडीज होती है ना वो जीवन जीना. तो वो क्या करती है? शी वेंट टू द ग्रोसरी. ग्रोसरी नमक मिर्च वगैरह जो भी हमारा सामान होता है किचन का, हम वहाँ जाते हैं. एंड बूचर्स मीन्स दे यूज टू ईट द नॉन वेज, तो वहाँ पर जाते हैं, ठीक है वहाँ से मीट वगैरह लेके आना. फ्रूट्स के पास जो है, फ्रूट सेलर के पास जाना, वहाँ से फ्रूट्स लेके आना. विद हर बास्केट ऑन हर आर्म. अब पहले तो वो ये सब काम नहीं करती थी, नाउ शी इज़ वर्किंग ऑल द वर्क वट एवर लीडिंग टू द किचन. जो भी काम है किचन से रिलेटेड है, शी यूज़ टू डू ऑल द वर्क. ओके, बास्केट लेके वो शॉपिंग के लिए जाती हैं. एंड वट इज़ द जो है हेयर हैंगलिंग होता है बेटा सौदेबाजी करना. टू द लास्ट सो, सो मीन्स होता है बहुत कम धन, ठीक है, बहुत कम पैसा. ऑफ हर मिजरेबल मनी बिकॉज शी इज़ नॉट हैविंग ए मच मनी. तो वॉट शी इज़ डूइंग, शी इज़ अ हैंगलिंग मीन्स सौदेबाजी करती है छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, कि ये इतने के लगाने हैं, ये इतने के लिए. पहले ऐसा कुछ भी नहीं था. शी यूज़ टू बी लीव ए रिच लाइक ए रिच पीपल्स सेम लाइक शी यूज टू डू इन द प्रीवियस. नाउ शी इज वॉट एवर शी इज डूइंग, शी इज हैंगलिंग वॉट एवर द थिंग्स दे आर, शी यूज टू बी हैंगलिंग. तो सौदेबाजी करती है हर चीज में वो, ठीक है, बिकॉज शी इज नॉट हैविंग ए नाउ लॉट ऑफ मनी लाइक प्रीवियस दे आर हैविंग. द हजबेंड्स वर्क इवनिंग. एंड अब उसकी जो हजबेंड की है, अब वो क्या काम करता है? वो भी एक्स्ट्रा काम कर रहा है फॉर टू पे दैट मनी इन टाइम. सो द हजबेंड वर्कड इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर. और इवनिंग में ही यूज़ टू गो फॉर बुक्स जो है मर्चेंट के पास जाता है. एंड ही यूज़ टू पुटिंग द बुक्स इन द इन ऑर्डर. एंड द नाइट ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 500. सॉस मीन्स है बहुत ही जो है कम पैसे के लिए. सो मीन्स बहुत कम पैसे के लिए वो जो है कॉपी करता है हर पेज को. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years. और एंड फॉर दिस डैप्ट दे दिस दे दिस देयर लाइफ लास्टेड फॉर 10 years. और उसे डैप्ट को भरने के लिए दे हैव टू लीड द लाइफ
मिजरेबल लाइफ फॉर 10 ईयर्स, जो है इस तरह की जो लाइफ के लिए उन्होंने पूरे 10 साल बिताए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, नाउ दे आर नाउ कम टू द नॉर्मल लाइफ आफ्टर द 10 ईयर, ओके। मैडम लॉयसल सीम्ड ओल्ड नाउ बिकॉज शी इज़ डूइंग ऑल द वर्क एंड वट एवर द वर्क, नाउ शी इज़ लुकिंग नाउ ओल्ड नाउ, शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वूमेन, अब वो काफ़ी जो है हार्ड वूमेन हो चुकी है, बिकॉज शी इज़ डूइंग ऑल वर्क, नाउ शी बिकमिंग ए हार्ड लेडी एंड क्रूड, क्रूड क्रूड बेटा होता है रफ, मीन्स इतनी अच्छी नहीं लगती अब वो, सो शी इज़ डूइंग ऑल वर्क क्रूड, ओके। वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड बिकॉज शी इज़ डूइंग ऑल द वर्क ऑफ द हाउस एंड नाउ शी इज़ बिकमिंग रफ, शी इज़ नॉट लुकिंग एट हर, she is not wearing good clothes etc. like her, her hair badly dressed, पहले she is used to be very fashionable, she is very caring of hair, skin, dresses, even necklace, jewelry, but now she is not having any time for all this because they have to pay the that all money in time. हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके जो है बाल बहुत ही गंदी तरह से ड्रेसिंग हो रखे हैं, हर स्कर्ट जो है कैसी है, एवरी होती है बेटा अनटाइडी गंदी, एंड हर हैंड्स बिकम रेड एंड शी स्पोक्स इन ए लाउड टोन एंड प्रीवियस शी यूज टू स्पीक इन ए वेरी सॉफ्ट लैंग्वेज बट नाउ शी इज़ यूजिंग ए लाउड टोन एंड वॉश द फ्लोर्स विद अ लार्ज पेल्स होते बेटा बकेट बाल्टी बकेट्स ऑफ वाटर और जो फर्श को वो जो है फ्लोर को शी यूज टू बी वॉशिंग दैट विद बकेट्स पेल्स ऑफ बकेट्स जो है पेल्स है बकेट्स ओके तो उस बकेट भर भर के वो उनको सर्फ फर्श को धो रही है बट समटाइम्स मैन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस जब उसके हस्बैंड ऑफिस में होते हैं शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मल टाइम्स ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लटर्ड फ्लटर्ड क्या होता है बेटा प्रीज्ड तो वट हैपन बॉल मीन्स दैट पार्टी तो शी वॉज रिकॉलिंग दैट पार्टी उस पार्टी को याद करती है दैट इवनिंग पार्टी एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट दैट पार्टी शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल एंड ऑल वर मेकिंग प्रेज ऑफ हर सभी उसकी जो है बड़ी प्रशंसा करते हैं दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट्स हर नेम ओके इन दिस वे शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल ऑन दैट पार्टी हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस इफ Now she is thinking, अगर वो necklace नहीं घूमता and what happened then? Her life is normally, she is fashionable and rich family, she is rich and वो ऐसे ही बिहेव करती But now, what happened? It's changed, totally changed, okay? Who knows how singular is life? जो life कैसे एक singular है and how full of changes? और किस तरह से life में जो है changes हो जाते हैं? How small things will ruin और सेव वन रियून मीन्स बर्बाद करना ठीक है तो रियून कैसे बर्बाद हुई ड्यू टू वन नेकलेस ना तो शी हैव टेकन ए वन नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड फ्रॉ मैडम फ्रॉस्टियर एंड शी लॉस्ट इट एंड आफ्टर दैट हर लाइफ टोटली चेंज्ड शी यूज टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क ओके नाउ शी इज नॉट लुकिंग लुकिंग एज ब्यूटिफुल एज प्रीवियस नाउ शी हैव टू डू ऑल द वर्क हर स्किन हर हेयर दे आर अनटाइडी मीन्स अच्छे नहीं लगते हैं इतनी अच्छी नहीं लग रही है वो इतनी खूबसूरत नहीं रही शी बिकम वेरी हार्ड उसकी आवाज़ भी बहुत काफ़ी रफ हो चुकी है वन डे एज शी वॉज टॉकिंग टेकिंग ए वॉक इन द चैम्स एलसीज टू राइड हर सेल्फ फॉर द केयर्स ऑफ द वीक चैम्स एलसीज वॉट इज दैट ए मेजर एवेन्यू इन द पैरिस फेमस फॉर एलिगेंट शेयर्स ऑफ कैफेज तो वहाँ पर जो एक यहाँ पर ये प्लेस है यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी जो है शॉप्स हैं कैफेज वगैरह की तो वहाँ पर वो वहाँ से शी वॉज वॉकिंग हर सेल्फ देयर सी सडनली प्रसीव्ड ए वोमेन प्रसीव्ड मीन्स शी रियलाइज महसूस किया उसने प्रसीव्ड मीन्स वॉकिंग विद अ चाइल्ड कि वहाँ एक जो औरत है जो एक बच्चे के साथ शी वॉज वॉकिंग इट वॉज अ मैडम फ्रॉस्टियर और वो कौन है मैडम फ्रॉस्टियर हर
फ्रेंड जो कॉन्वेंट स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव. नाउ शी वॉज लुकिंग एट हर, शी वॉज यंग, प्रिटी एंड अट्रैक्टिव. एंड यू नो इन द प्रीवियस आई हैव इन दिस चैप्टर दे हैव टोल्ड कि वो शी डोंट वॉन्ट टू विजिट हर, उसे मिलना नहीं चाहती, बिकॉज जब उसे मिलती है शी यूज टू क्राई, बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि शी इज़ फीलिंग वेरी जेलस ऑफ हर रिच. क्योंकि वो बहुत अमीर है तो उसको बहुत गंदा लगता है कि वो बहुत अमीर है और मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोती थी. अब वो देखती है तो शी वॉज स्टिल यंग एंड प्रिटी एंड अट्रैक्टिव स्टिल ऑल्सो. मैडम लोसेल वॉज अफेक्टेड और उसे काफ़ी जो है अफेक्ट हो गई, मीन्स काफ़ी प्रभावित हो गई. शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसे बात करनी चाहिए? यस सर्टेनली, सर्टनली मीन्स निश्चित तौर पर उसे जनाऊ बोलना चाहिए. क्यों बोलना चाहिए? बिकॉज शी हैव पेड ऑल द डेब, उसने उसका नेकलेस भी वापस दे दिया है. दैट्स वाई नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल वाई नॉट. अब जो है उसने उसकी पे भी कर चुके हैं तो अब उसको क्या है, उसे बातचीत करनी चाहिए. शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी, तो उसने उसके पास वो गई और उसके से बोली गुड मॉर्निंग जीनी, बिकॉज जीनी वो प्यार से उसे स्पेशल वो उसे बोलती थी. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना हर, एंड वॉज एक्सटर्नाइज्ड, एक्सटर्नाइज्ड मीन्स हैरान होना, शॉक्ड होना, एक्सटर्नाइज मीन्स शॉक्ड, शॉक हो गई. टू बी फैमिलियरली एड्रेस्ड बाई दिस कॉमन पर्सनेज, पर्सनेज होता है विशेष जो है, कॉमनली जो है हम जो नॉन होते हैं जब हम ऐसे नाम लेते हैं तो इसको कैसे इतना मतलब मेरे बारे में जो इसने मुझे बोला जीनी. तो शी स्टैम्बर्ड, स्टैम्बर्ड मीने बेटा हकलाना, तो वो एकदम हकला के बोली बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हो? नो आई एम मटलिडा लॉयसल, मैं कौन हूँ? मटलिडा हूँ. हर फ्रेंड्स अल्टर्ड ए क्राई ऑफ एक्सटर्नाइज्ड, एकदम हैरानी से उसने जो है एकदम चीखी मारी, ओ माई पुअर मटलिडा, मेरी जो है गरीब मटलिडा, बेचारी, यहाँ पर क्या है, बेचारी जो है मटलिडा तुम हो, है हाउ यू हैव चेंज. शी वॉज सो शॉक्ड कि भी तुम कैसे चेंज हो गई, बिकॉज शी यूज़ टू बी वेरी ब्यूटिफुल, शी ऑलवेज ड्रेस्ड इन ए वेरी गुड मैनर, शी यूज़ टू लुक लाइक ए रिच गर्ल, नाउ शी हैव टोटली चेंज, शी इज़ ए लाइक ए नॉर्मल वूमेंस हु यूज़ टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क. ओके नाउ शी वॉज वेरी शॉक्ड वैन शी सॉ द मैडम. ओके Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. Now she told, मैं बहुत ही हार्ड टाइम मैंने जो है टाइम व्यतीत किया, हार्ड टाइम से बहुत ही गंदे टाइम जो है मेरे पास से गुजरा, मेरे ऊपर बहुत ही मुश्किलें आ गई, मैंने बहुत बुरा वक्त देखा और वो सब किस लिए देखा, बिकॉज ऑफ मी. हाउ इज़ दैट? बिकॉज वो कहती है कि मैंने जो भी ये हार्ड वर्क देखा, जो भी मिजरेबल लाइफ जो जी है वो मैंने आपके कारण देखी है. तो शी वॉज ऑल्सो वेरी एक्सटर्नाइज टू हियरिंग ऑल दिस मी, शी वॉज वेरी हाउ इज़ दैट कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है. यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, जो एक नेकलेस यू हैव गिवन टू मी टू वियर दैट इन द मिनिस्टर बॉल, कि मिनिस्टर बॉल में जाके जो पार्टी थी वहाँ तुमने पहनना था तो मैं एक नेकलेस लेके आई थी आपसे, तो मुझे वो यस वेरी वेल, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है. वेल आई लॉस्ट इट, अब वो मेरा जो है गुम हो गया था. हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न्ड इट टू मी? शी वॉज वेरी मतलब बहुत हैरान होती है, वो कहती है गुम हो गया था लेकिन तुमने तो मुझे वापस कर दिया था. आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक, मैंने ऐसा हुबहू मैंने वापस कर दिया था. एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें जो है उसे उस पैसे को 10 साल लग गए उस नेकलेस की कीमत को पूरा करने में. यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, और आप जो है अपनी फ्रेंड्स को बोल रही है कि तुम तो अच्छे से समझ सकती हो हमारे पास कोई इतना पैसा नहीं था और जो है हमने किस तरह से वो पैसा पूरा किया. बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट. डिसेंटली मीन्स कंटेंट मीन्स अब वो हमने जो भी पैसा लिया था हमने पूरी पे कर चुके हैं, अब मैं अपनी लाइफ से काफ़ी क्या हूँ, कंटेंट हूँ. कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड. ओके
मैडम फॉर्स्टिया स्टॉप्ड शॉर्ट, थोड़ी देर के लिए वो स्टॉप हुई. शी सैड, यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. शी वॉज शॉकिंग कि तुमने जो मुझे क्या दिया है, डायमंड नेकलेस दिया है जो उसके गुम हो जाने के उसमें, भाई मेरा नेकलेस गुम हो गया तो उसकी जगह आपने मुझे डायमंड नेकलेस दिया है. यस यू डिड नॉट प्रसीव इट देन. प्रसीव मीन्स क्या है बेटा, आइडेंटिफाई. प्रसीव मीन्स आइडेंटिफाई, तो मतलब तुमने उसको जो है क्या है, मतलब पहचाना नहीं. दे वर जस्ट अलाइक, अलाइक मीन्स एक जैसे थे. एंड शी स्माइल्ड विद अ प्राउड एंड सिंपली जॉय, और उसे बड़ा स्माइल करती है गर्व के साथ और एक स्माइल देती है. मैडम फ्रॉस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाई. उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया. ओ माई पुअर मटलीडा, मेरी प्यारी, मेरी बेचारी मटलीडा. माइन वर फॉल्स, मेरे जो वो नेकलेस थे वो जो था वो डायमंड नहीं थे. दे वर नॉट वर्दी, वर्दी मीन्स कीमती नहीं थे, ठीक है. दे वर नॉट वर्दी ओवर 500 francs. उसकी कीमत सिर्फ कितनी थी, 500 francs. सो इन दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड अवर चैप्टर द नेकलेस. सो वॉट लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर इज दैट जितने हमारे पास पैसे हों, हमने जो हमारी लाइफ उसी में हमने जो है जीवन जीना चाहिए, ठीक है ना. तो हमें कभी भी एक्सेस यूज़ किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए, ठीक है. सो दिस इज़ फॉर टुडे. थैंक यू.